नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट चैनल पर। और भाई आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ईसीएस काइल T10 लीग के पहले और दूसरे मैच को, जो कि खेले जाएंगे काइल में ही। और भाई इस वीडियो में मैं आपको दोनों टीम्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। भाई ये लीग आज ही स्टार्ट हो रही है और आज इसका पहला मैच है, तो मतलब लोगों ने ऐसे ही मतलब जिन प्लेयर्स का सलेक्शन परसेंटेज काफ़ी आई है, मतलब इतने अच्छे प्लेयर भी नहीं है लेकिन फिर भी उनको सेलेक्ट कर रखा है, तो आप पब्लिक के सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से टीम बिल्कुल मत बनाना। मैं आपको बताने वाला हूं सारे प्लेयर्स की डिटेल, सब कुछ आपको मतलब काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। तो मैं एक एक प्लेयर के, जो भी दोनों टीम्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 है, वो दिखाऊंगा आपको, और उसके अलावा आपको एक एक प्लेयर के सारे स्टैट्स निकाल कर देने वाला हूं। तो भाई वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और भाई ये पहला मैच है तो अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा, तो जो हमारी फाइनल टीम होगी ना उसकी अपडेट मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप वीडियो पर आ गए हो और अगर आप विनिंग करना चाहते हो तो भाई आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, क्योंकि भाई मैं फाइनल टीम फाइनल अपडेट, जो प्लेयर्स नहीं खेलने वाले जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं, सारी चीज़ें की अपडेट मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। अदरवाइज आप सीधा टेलीग्राम पर जाकर केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट सर्च भी कर सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका भाई आपके ऐसी वीडियोस लाता रहता है। तो अगर आपको भी आपके भाई का मोटिवेशन बढ़ाना है, मोटिवेट करना है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है आने वाले मैचेस कवर करने के लिए। तो अब बात करते हैं, पहले दोस्तों मैं आपको टीम बनाने से पहले मैं दोनों टीम्स के आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों एसटीसी की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो यहाँ से आप देख सकते हो एसटीसी की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आएंगे दोस्तों शफीदुल्ला रसूली, ये ऑलराउंडर सेक्शन में मिलने वाले हैं आपको। मैच इन्होंने 7 खेले पहले और 38 रन और 9 विकेट, मतलब भाई आपको कैप्टन वॉइस कैप्टन भी ऐसे प्लेयर्स को चूज करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको शफीदुल्ला को कैप्टन बनाना है वॉइस कैप्टन बनाना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैप्टन वॉइस कैप्टन ऐसे प्लेयर्स को लेना है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे, क्योंकि T10 मैचेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑलराउंडर सेक्शन से होते हैं। तो या फिर जो मतलब सेक्शन में किसी में वो बैटिंग में हो तो बॉलिंग भी करता है और बॉलिंग वाले बैटिंग भी करते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्रॉपर ऑलराउंडर सेक्शन वाले बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो प्लेयर सेलेक्ट करने हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर सादिक शिनवारी, आप इनके रन्स और विकेट आप खुद देख लेना, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ कवर करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाओगे और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 एक बार बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सीधी हमारी डेमो टीम बना के दिखाऊँगा, जिसमें अगर कुछ चेंजेज होंगे तो फाइनल अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एसटीसी पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर शफीदुल्ला रसूली दोस्तों पहले नंबर पर, उसके बाद सादिक शिनवारी, उसके बाद मुर्राक अली जैदी, और इसके बाद सी पगडपुला, और इसके बाद अजीम आजम, इसके बाद आतिफ लतीफ़, इसके बाद अदनान नूरुद्दीन, इसके बाद दानिश जाहिद, इसके बाद यूसुफ अली खान, इसके बाद सिरजाद हुसैन शाह, इसके बाद अली सफदार आदिल सफदार। तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 होने वाली एसटीसी की। अब बात करते हैं दोस्तों या सर एमटीएसवी की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले अभिषेक चंद्रशेखर दोस्तों, इनको आप अपनी टीम में बिल्कुल रखना, बाकी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ से दोस्तों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले अजीम आजम और आतिफ लतीफ़, ये दोनों प्लेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दानिश जाहिद भी काफ़ी अच्छे प्लेयर यहाँ पर आपके लिए हो सकते हैं। तो बाकी अब बात करते हैं एमटीएसवी की तरफ से, तो यहाँ पर अभिषेक चंद्रशेखर दोस्तों ये ऑलराउंडर सेक्शन में आपको ना विकेट कीपिंग सेक्शन में, शायद आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 9 मैचेस में 100 रन, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फैजन फारूक 4 मैचेज में 57 रन 1 विकेट, आदित्य गोपीनाथ 8 मैच में 51 रन 9 विकेट, दीपक प्रकाश 8 मैच में 31 रन 2 विकेट, इमरान तारिक 5 मैच में 25 रन 8 विकेट,
इसके अलावा जोयसन रेक्सराज 7 मैच में 12 रन 10 विकेट, अरुण प्रकाश 2 मैच में 17 रन, सचिन तावड़े 7 मैच में 48 रन, विग्नेश श्रीधर 4 मैच में 1 रन 5 विकेट, अजीज गुल खलील यहाँ पर 5 मैच में 10 रन 5 विकेट, आफीज हसन यहाँ पर 1 मैच में 2 रन 1 विकेट। तो ये दोनों टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रीम इलेवन की टीम की, तो यहाँ से आपके पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है दोस्तों। ए चंद्रशेखर के आप देख सकते हो कि कितना कम पर कितने कम लोगों ने ले रखा है, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया 9 मैचेज में 100 रन। तो यहाँ पर आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में एस शिनवारी या फिर आप ए चंद्रशेखर के साथ जा सकते हो। इसके अलावा सी पड़क पुला को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो चैतन्य पड़क पुला का रिकॉर्ड आप देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर जाकर अभिषेक चंद्रशेखर का रिकॉर्ड देख सकते हो। तो आप रिकॉर्ड्स के हिसाब से टीम बनाओ, ना कि लोगों की सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पर चंद्रशेखर को मैं अपनी टीम में लेने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों ए मैटिन फैजी दोस्तों ठीक ठाक प्लेयर आपके लिए होने वाले हैं। एफ फारूक दोस्तों, एफ फारूक को आप अगर चाहो तो आप अपनी टीम में रख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो आप इन्हें ड्रॉप करके भी चल सकते हो। वैसे इनका बस पता क्या है, ये थोड़े से ऊपर बैटिंग करने आएंगे तो इसीलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक बार जल्दी से टीम बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बाकी प्लेयर्स की। दोस्तों यहाँ से यूसुफ अली खान, इसके अलावा दोस्तों एक किशोर को आप अपनी टीम में रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से एम फातिमे के साथ जा सकते हो। आजिम आजम दोस्तों सिर्फ 28% लोगों ने सेलेक्शन किया है, बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन के भी काफ़ी अच्छे दावेदार। इसके अलावा दोस्तों एच हसन, ए नमेजाई, और इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहो तो ए गोपीनाथ के साथ भी जा सकते हो। ये दोस्तों अभी के लिए मेरे 4 ऑलराउंडर हो गए। बात करते हैं दोस्तों बॉलिंग की, बी सैफी दोस्तों, ए खलील काफ़ी अच्छे ठीक ठाक प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं। इसके अलावा डी जाहिद दोस्तों, डी जाहिद की जगह आप आसिफ लतीफ़ को भी ले सकते हो दोस्तों, बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे आपको। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो 6 नंबर पर 8 मैच में 81 रन 7 विकेट, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों यहाँ से, तो ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों कैप्टन मेरे अजीम आजम होने वाले हैं। इसके अलावा वॉइस कैप्टन की बात करें तो वॉइस कैप्टन आप मार्टिन फातिमी के साथ जा सकते हो, अदरवाइज फारूक भी वॉइस कैप्टन के काफ़ी अच्छे आपके लिए विकल्प हो सकते हैं। बाकी दोस्तों जो हमारी फाइनल टीम होगी, जो भी हमारे स्टैट्स होंगे, जो भी एक एक प्लेयर का स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।